खबर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट से आ रही है, जहां पर एक वकील का शव पाया गया है। शव मिलने से वहां पर हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि वकील राजीव शर्मा का ये शव है और कोर्ट के परिसर में ही पाया गया है। पुलिस को शक है कि ये हत्या का मामला हो सकता है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और ये मालूम किया जा रहा है कि आखिरकार राजीव शर्मा का ये शव यहां तक कैसे पहुंचा। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या जानकारी? 10 बजे के आसपास कोर्ट परिसर खुलता है। तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास वकीलों का अंदर घुसना शुरू हो जाता है। सुबह जैसे ही वकील अंदर घुसे, तभी कोर्ट परिसर में उन्होंने एक वकील को पड़े हुए देखा। पास में जाकर देखा तो वकील की लाश पड़ी थी। फौरन इस पूरे मामले में सब्जी मंडी पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस मौके पर पहुंची है। जो सूत्रों की बात करें तो पुलिस का लोगों का कहना है कि शरीर के चोट के निशान भी हैं, तो शक जताया जा रहा है कि ये हत्या हो सकती है। लेकिन जैसे ही 10 बजे के आसपास ये लाश मिली है, कोर्ट इलाके में सनसनी फैल गई। अभी फिलहाल मौका वारदात पर लाश पड़ी हुई है। पुलिस तमाम सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है, पता कर रही है कि आखिर वकील राजीव शर्मा की मौत की असली वजह क्या है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। नेहा, लेकिन पुनीत, हैरान करने वाली बात यह है कि 30,000 कोर्ट में ये शव मिला है, वहां पर सुरक्षा जबरदस्त होती है। ऐसे में वहां पर अगर हत्या हुई है या हत्या के बाद शव को डाला गया है, तमाम बातें हैरान करती है। देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि 10 बजे के आसपास कोर्ट खुलता है, 9:30-9 बजे के बाद वहां पर सरगर्मी तेज हो जाती है। अभी पुलिस के सामने तमाम सवाल है। सबसे पहला ये कि क्या ये हत्या है या फिर राजीव की जो लाश है उसके पीछे की कहानी कुछ और है। क्या कल रात में ही राजीव की मौत हो गई थी और लाश वहां पर पड़ी हुई थी और उसके बाद रात में किसी ने नहीं देखा और जब सुबह सुबह लोगों को वहां पर पहुंचना शुरू हुआ और उसके बाद लाश को देखा गया है, ये तमाम सवाल है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। ऐसे में कोर्ट परिसर के अंदर हत्या करना या फिर हत्या कहीं और कर लाश को कोर्ट परिसर में डालना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस अभी ये भी जानने की कोशिश करती है कि ये हत्या ही है या फिर राजीव की मौत के पीछे वजह कुछ और है। नेहा, क्या इस बात से इनकार पुलिस ने किया है कि ये सुसाइड या फिर आत्महत्या का भी मामला हो सकता है? देखिए नेहा, बहुत थोड़ी देर पहले का ये पूरा मामला है। पुलिस ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। पुलिस के आला अधिकारियों से हमने जानने की कोशिश की है लेकिन कोई भी इस पूरे मामले में कुछ बता नहीं रहा है। चूंकि तकरीबन 15 मिनट पहले पुलिस मौका वारदात पर पहुंची है, जानने की कोशिश कर रही है कि अभी हत्या ही है या इसके पीछे कुछ और है। प्राइमा फेसी पुलिस अभी कुछ भी बताने से मना कर रही है। इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। चूंकि 30,000 को टी ब्लॉक का ये मामला है तो वहां पर पुलिस का पूरा जमावड़ा है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। नेहा, पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट में शव मिला है एक वकील का, राजीव नाम बताया जा रहा है इस वकील का और पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।